हाँ बंसिका भला खुशी बिटिया कैसी हो, ठीक है कि नहीं ठीक हो? यू देखो भैया धीरे धीरे आंखें खुली बिटिया, कोई बात नहीं, हम बगदाद अस्पताल में सुरक्षित हो। मामा तो प्रदेश से बाराबंकी जिले के नगर कोताली के भैया किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज का, यहाँ पर भैया एक साथ कई बच्चे बेहोश हो गए और दनादन बेहोश हुए लग, सबके चक्कर आवे लग, सभी को बाराबंकी के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पता चला कि कबाड़ी के दुकानदार भैया कोनो आग लगाए थे जिसमें से धुआं निकल रहा था, ऐसा केमिकल सुलगाया दिन कि भैया कॉलेज तक धुआं पहुंच गया और कई बच्चे बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया गया और कबाड़ी वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और आग को भी बुझा दिया गया। अब तक सुनो एडीएम साहब मामले की जानकारी दे रहे हैं। बिटिया परेशान मत हो, सब ठीक ठाक है। यू देखो भैया ऑक्सीजन लगा पड़ा था बिटिया। सुबह 10 बजे क्लास 9th और 11th के बच्चों का फिजिक्स का लैब में कुछ मेडिकल वेस्ट पास में था जिसको कुछ कबाड़ी व्यक्ति जला रहे थे, जिसके कारण से जो धुआं उठा उससे वो प्रभावित हुए। जो कबाड़ी वाले थे उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो लगभग 11 बच्चे ऐसे थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए, 3 को रिफ़र किया गया, बाकी हमारे कोई बच्चे खतरे में नहीं है। 1 बच्चे को पेरेंट्स ने कहा था कि वो रिफ़र कराना चाह रहे हैं, बाकी अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खतरे में। अब बच्चे बकदा लैब वाले कमरे में थे भैया, वहाँ पर धुआं पहुंच गया और सारे बच्चे बेहोश हो गए, कम से कम 11 बच्चे, बाकी भैया 3 बच्चों को रेफर भी किया गया, बाकी सब हालत सबकी ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एडीएम साहब की बात सुन करके समझ गया होगे, अब इतने आराम आराम से समझा भी रहे थे तो समझे गए होगे। फिलहाल आपकी कार्यक्रम कीजिएगा वीडियो शेयर करना कहते हैं मधुलेगा शर्मा साहब जी को मिलेगी दबा दबाकर बहुत बड़ी खबर थी, हमने कहा बता दें आपको। सूचना मिलते ही देख लो भैया तमाम पुलिस यो साहब सभासद भी पहुंचे थे, सब देख रहे थे बच्चों को कि ठीक होगी नहीं ठीक हो भी क्या। देखो सब बच्चे वगैरह ठीक है ठाक है, तंदुरुस्त है, ठीक है, वैसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमारी खबरों को देखते रहिए, दबा दो बेल आइकन।